फंस भी रहा है तो खींच नहीं रहा है बेचारा, डर के मारे कहीं डंट उसकी डंटी ना टूट जाए ब्रांच। लेकिन मान भी नहीं रहा है, तोड़ेगा भी जरूर। तो देखिए ये मेरा घर है, तो ये देखो दो चोर उभर रहे हैं और ये तोड़ रहे हैं अमरूद। एक एक तो देखो 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 देखो, 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 देखो ये थैली में रख रहा है, ये देखो चोर। एक दांत गायब है इसका, अमरूद खाते खाते दांत गायब हो गया। कहां? अबे कच्चा नहीं, कच्चा खाइबो खाई का, कच्चा खाइबो तो कच्चा खाइबे। देखा तनी मुंह देखे थोड़ा, कच्चा खाइबे पक जाए तब तोड़बे। कच्चा खाएंगे भाई, पकने नहीं देंगे, इतना टाइम नहीं इन दोनों के पास, तो कच्चा ही तोड़ के खाएंगे। अब देखते हैं, एक तो जेब में रख लिया तोड़ के, दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है ये बड़ा वाला। उससे मैं बोला ना पहले ये छोटे वाले से कि एक तोड़ देता हूँ, पका नहीं है, उसी में से दोनों खा लेना, तो बोल रहा है ठीक है। जैसे ही एक तोड़ा बोल रहा है एक और तोड़ो, ये छोटा वाला मुजम्मिल। हमको बचाइबे भाई, कई का है तो गिरत है का, देखा ही गया तुड़ा जाता कि ना, पूरा पेड़ तुड़ा जी, लेकिन अमरूद ना तुड़ा पाई है, देखा ही गया। हाँ देखा ही गया भाई, ये पेड़ इतना शानदार है, मतलब इसका फल जो है बहुत शानदार होता है, इतना मीठा होता है ना कि जब लगता है, बहुत ज्यादा तो नहीं लगता, छोटा पेड़ है, लेकिन मजा बहुत आता है खाने में, इसलिए इन लोगों के मुंह पे लगा हुआ है। अभी ये 10 दिन पहले तक बहुत ज्यादा लगा हुआ था, रोज 1 2 3 4 5 6 जो जिसको नजर आ जाए। देखो ये देखो, वो दो अमरूद लगे हुए हैं वहां पे, लेकिन इनसे फंस नहीं रहा है, ये इसके चक्कर में पड़े हुए हैं, ये दो देख रहा है इसके चक्कर में पड़े हुए हैं सर। अरे बच्चे हैं, इनसे कहां बनेगा, ये टूटेगी डंटी पूरी, और डंटी टूटी तो मारूंगा मैं, सोच ले अमरूद टूटे चाहे डंटी ना टूटे चाहे, ना हम ना तोड़बो, हम कहें तोड़े खाइए ये लोग तोड़बो हम। तो अमरूद तो खाना इन लोगों को, लेकिन हालत इसलिए खराब है कि मैंने धमकी दी हुई है कि सिर्फ अमरूद टूटना चाहिए, अगर डंठल टूटी उसकी तो पीटूंगा। फंस भी रहा है तो खींच नहीं रहा है बेचारा, डर के मारे कहीं डंठल उसकी डंटी ना टूट जाए ब्रांच। लेकिन मान भी नहीं रहा है, तोड़ेगा भी जरूर। तो देखिए ये मेरा घर है, और घर में ही आंगन में अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, तो इसका फल इतना मीठा होता है, मजा आ जाता है कसम से, लगता बहुत कम है इसलिए शायद अच्छा लगता है, क्योंकि कम चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं लगती। जैसे बहुत सारी चीज़ें जब तक कम होती हैं ना, या जब तक नहीं होती हैं, ऐसा लगता है यार मिल जाती तो काश, मज़ा आ जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, लेकिन जैसे ही वो आपको हासिल हो जाती है उसका मज़ा कुछ दिन में फीका पड़ जाता है। और उसी तरह ये अमरूद भी है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। मैं तो कहूँगा अगर आपके घर में जगह है तो एक पेड़ लगाइएगा, और पेड़ होना चाहिए फलदार, क्योंकि जब अपना लगाया हुआ फल देता है ना पेड़, बहुत मज़ा आता है। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल कार्टून जगत, ये फल नहीं दे रहा है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मेरा कार्टून जगत जो चैनल है वो फल देता है, और बहुत मीठा होता है उसका फल, लेकिन उसके पीछे मेहनत लगती है, पेड़ लगाने में भी मेहनत लगेगी, चैनल बनाने में भी मेहनत लगती है, वगैरह वगैरह। और आज है जुमा, और ठंड आज कह रही है कि ना आगे दिखाओ, धमकी मिली हुई है ठंड की तरफ से कि ना आगे दिखाओ, आज हिम्मत है तो भैया देखो, एक इनर, एक टी शर्ट और एक जैकेट बहुत देर से चढ़ा रखा है, लेकिन नहाना तो पड़ेगा ही। चलो फिर मिलते हैं कभी।